नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। भारत रत्न दिवंगत गायिका लता मंगेशकर भले इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी सुरीली आवाज हमारे बीच हमेशा मौजूद रहेगी। खबरों की माने तो लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में अयोध्या के राम मंदिर के लिए कुछ राम भजन श्लोक और मंत्र रिकॉर्ड किए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर के उद्घाटन पर दर्शनार्थियों को लता मंगेशकर की आवाज में भजन गाने और श्लोक सुनने को मिलेंगे। ये राम भजन लता जी ने अपने आखिरी समय में रिकॉर्ड किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लता मंगेशकर ने ये गाने तब रिकॉर्ड किए थे जब अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती थी, लेकिन उन्होंने संगीतकार मयूरेश पई को बुलाया और उनसे कहा कि वह अयोध्या में राम मंदिर के लिए कुछ चुनिंदा राम भजन श्लोक मंत्र तैयार करना चाहती हैं। मंगेशकर परिवार के बेहद करीबी शख्स ने इस बात की जानकारी दी कि लता मंगेशकर चाहती थी कि वो जनवरी 2024 में अयोध्या में होने वाले राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल हो। कंपोजर मयूरेश पई ने इस म्यूजिक रिकॉर्डिंग की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने रिकॉर्डिंग अपनी जिंदगी के अंतिम समय में की थी। वह अंत तक काम करती रही। वह चाहती थी कि उनकी आवाज़ राम मंदिर का हिस्सा बने। तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने लगातार भजन और मंत्रों की रिकॉर्डिंग करना जारी रखी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।